हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोशाशिंग ब्लॉट टेस्ट कार्ड नंबर 10। यानी आज की इस वीडियो में हम कार्ड नंबर 10 के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, रोशाशिंग ब्लॉट टेस्ट कार्ड नंबर 10 जो कि 1 से 10 कार्ड में सबसे लास्ट कार्ड है, सबसे लास्ट कार्ड होने की वजह से ये कार्ड बहुत ही कलरफुल है, जो कि ऑरेंज, येलो, पिंक, ग्रीन, ग्रे और ब्लू इंक का बना होता है। अगर इस कार्ड की हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो कार्ड नंबर 8 की तरह है, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कार्ड नंबर 9 की तरह है। इस कार्ड को देखने के बाद जो कॉमन रिस्पॉन्सेस आते हैं उनमें ये है कि कुछ पेशेंट जो है इसको देखने के बाद प्लेजर फीलिंग फील करती हैं, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि कार्ड नंबर 9 को देखने के बाद अगर उनको कोई अच्छी फीलिंग महसूस नहीं हुई, यानी उसने कार्ड नंबर 9 की कॉम्प्लेक्सिटी को एंजॉय नहीं किया, तो उसकी कार्ड नंबर 10 के साथ भी सेम वही फीलिंग्स होती है। कार्ड नंबर 10 को देखने के बाद जो कॉमन रिस्पॉन्सेस देखे गए हैं, यानी लोग जो चीजें इमेजिन करते हैं वो है क्रैब, लॉबस्टर, स्पाइडर, रैबिट हेड, स्नेक्स या कैटरपिलर्स। इन चीजों को देखने के बाद जो चीजें सिंबलाइज होती हैं वो ये होती हैं कि अगर पेशेंट इस कार्ड में जो है क्रैब की पिक्चर को देख रहा है, क्रैब की पिक्चर को इमेजिन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं चीजों में और लोगों में फंसा हुआ है और वो उन चीजों से अभी तक उलझ कर निकल नहीं पा रहा। सेकेंड, अगर लोग इसमें जो है किसी लॉबस्टर को देखें, तो लॉबस्टर का मतलब ये होता है कि वो बंदा छोटी छोटी प्रॉब्लम से कभी परेशान नहीं होता, यानी वो इस चीज की भी सिंबलाइज कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं वो खुद से भी डर रहा होता है कि मैं खुद को इन प्रॉब्लम से जीते जीते कहीं खुद को हार ना बैठूं, यानी खुद को कोई जो है तकलीफ ना पहुंचा पाऊं। थर्ड ये कि अगर पेशेंट इसमें स्पाइडर को देखता है, स्पाइडर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग्स है, यानी कोई डर की ऐसी फीलिंग्स छुपी हुई है या कोई ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है जिसमें वो कहीं ना कहीं फंस कर रह गया है, और उसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा झूठ बोलता है, और इसी झूठ बोलने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाता, यानी वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। नंबर 4 पे है, अगर पेशेंट इसमें रैबिट के हेड को देखे, तो ये सिंबलाइज करता है फर्टिलिटी की तरफ, यानी एक पॉजिटिव आउटलुक की तरफ सिंबलाइज करता है। नंबर 5 पे है, अगर लोग इसमें जो है स्नेक्स देखें, स्नेक्स बेसिकली डेंजर की तरफ जो है इशारा करता है, यानी इसमें ये चीज सिंबलाइज करती है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है गिल्टी की फीलिंग्स छुपी हुई है, और कहीं ना कहीं वो किसी अननोन पर्सन, अननोन सिचुएशन से डर रहा है। बेसिकली स्नेक्स को हम किसी और मीनिंग्स में भी ले सकते हैं, यानी ये फैलिक सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक फॉरबिडन सेक्स की फीलिंग्स मौजूद होती हैं। जैसा कि कार्ड नंबर 10 लास्ट कार्ड होने की वजह से अगर पेशेंट इसमें जो है कैटरपिलर्स को देखे, तो इसका मतलब ये होता है, यानी ये इस चीज की अलामत होता है कि वो कहीं ना कहीं एक रूम फॉर ग्रोथ ढूंढ रहा होता है, यानी कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज को ढूंढ रहा होता है जहां उसे ग्रोथ की जरूरत होती है, और वहां पे वो खुद को महसूस करता है कि वो कॉन्स्टेंटली खुद को इन्वेंट कर रहा है, री इन्वेंट कर रहा है, खुद को कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर रहा है। सो आई होप कि आज की ये वीडियो में आपको कार्ड नंबर 10 के बारे में फुली डिटेल से मालूम हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।